देश भर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर साल भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। हालांकि इस साल कोरोना वायरस की वजह से सभी लोगों को अपने घर में रहते हुए जन्माष्टमी का पर्व मनाना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस साल जन्माष्टमी का पर्व दो दिन मनाया जा रहा है। कुछ लोग 11 अगस्त को जन्माष्टमी मना रहे हैं तो कुछ लोग 12 अगस्त को भी। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में। ऐसे में 11 अगस्त को भादो माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कुछ क्षेत्रों में जन्माष्टमी मनाया जाएगा। वहीं 12 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र में भी कई क्षेत्रों में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। मथुरा में रोहिणी नक्षत्र 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। वहीं गोकुल में 11 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में आपको ये बताते हैं श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के अवसर पर आपको किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। दरअसल बता दें आपको कि भगवान कृष्ण को माखन बेहद ही पसंद था, यहाँ तक कि उन्हें माखन चोर भी कहा जाता था। ऐसे में अगर जन्माष्टमी के मौके पर आपको बाल को घर में बने मक्खन मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल को माखन पसंद है। वहीं जन्माष्टमी पर आप लड्डू गोपाल को आटे की पंजीरी भोग लगा सकते हैं। आटे की पंजीरी भी उन्हें काफ़ी पसंद होती है और ये तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक बताई जाती है। श्री कृष्ण को आप जन्माष्टमी के मौके पर मखाना पाक का भोग भी लगा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें मखाना पाक बेहद पसंद है। वहीं जन्माष्टमी आप श्री कृष्ण को पंचामृत का भोग भी जरूर लगाएं। लड्डू गोपाल के जन्मदिन पर पंचामृत से उनका अभिषेक किया जाता है। लड्डू गोपाल का अभिषेक करने के बाद प्रसाद रूप में आता है। पंचामृत बनाने के लिए आपको घी, बताशे, दूध, शहद, गर्म तुलसी की आवश्यकता होगी। मखाना पाक की तरह ही लड्डू गोपाल खीर बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मखाने की खीर बनाने के लिए आपको काजू, बादाम, घी और मखानों की आवश्यकता होगी और उसके बाद आप प्रसाद और भोग को तैयार कर लीजिए और लड्डू गोपाल को भोग जरूर लगाएं ताकि वो आपकी सभी मनोकामनाओं को अष्टमी में पूरा कर दे। नेक्स्ट नाइट स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।